किसी नगर में एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया थी। वह देख नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं थी। बूढ़ी माई भगवान गणेश की पूजा बहुत ही मन और श्रद्धा से करती थी। वह हमेशा गणेश भगवान का पूजा करती थी। उस बुढ़िया का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उनका एक बेटा और बहू थी। अंधी बुढ़िया रोज सुबह उठती और पूरे मन से गणेश भगवान की पूजा करती थी। मैं रोज आपकी पूजा सच्चे हृदय से करती हूँ। आप तो विघ्न हरता हैं, सबके विघ्न वादा हर लेते हैं, फिर मेरी क्यों नहीं सुनते? आपके अलावे हमारा है ही कौन जो हमारे कष्ट और दुख को समाप्त कर दे? प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाइए प्रभु। भगवान गणेश ऊपर से ये सब देख रहे थे। ये बेचारी बूढ़ी अंधी माँ रोज मेरी पूजा कितने मन की पवित्रता से करती है। ना तो इसकी आंखें हैं और ना घर में है कुछ, क्यों ना मैं इसे दर्शन दूँ? प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। प्रभु आपके चरणों में मेरा सत सत नमन। भगवान आप दुख हरता विघ्न हरता है, फिर क्यों मुझसे रुष्ट है? आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? मेरे तो रोम रोम में आप हैं प्रभु। बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू कुछ मांग, कोई वरदान मांग, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिए, और क्या चाहिए प्रभु? मैं तो देख नहीं सकती किंतु आपको एहसास जरूर कर सकती हूँ। प्रभु मैं आज धन्य हो गई। प्रभु आपकी कृपा है कि आप मुझ जैसे गरीब अंधी बुढ़िया को दर्शन दिए। प्रभु मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं। प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बुढ़िया माई, मैं ही हूँ, और तू कुछ मांग अपने लिए। मैं तेरी पूजा आस्था से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग। प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूं? आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए। मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई एक काम कर, तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। तुझे समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तू उनसे सलाह ले ले तुझे क्या करना है। मैं कल फिर आऊँगा, तू उनसे पूछ कर रखना। ठीक है प्रभु, मैं बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के पास जाती है और बोलती है, पता है आज गणेश जी पूजा करते समय गणेश भगवान स्वयं मुझे दर्शन दिए। मैं तो आज धन्य हो गई, भगवान गणेश स्वयं हमारे घर पधारे थे। और हाँ, उन्होंने कोई वर मांगने को कहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं उनसे क्या मांगूं। वो कल फिर आएंगे तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ कि क्या मांगना चाहिए। माँ क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ क्यों ना तुम उनसे धन दौलत मांग लेती हो, हमारी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। हम लोग कब तक इस तरह जीवन जिएंगे? बहू तुम क्या बोलती हो, हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से? सासू माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में हम लोग धन्य हो गए। अगर भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हैं और स्वयं वरदान देना चाहते हैं तो क्यों ना आप उनसे एक पोता मांग लेते हैं। हमारी शादी को काफ़ी समय भी हो गया है और आपको एक पोता भी चाहिए, तो क्यों ना
पोता ही मांग लीजिए। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो दोनों अपने अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो ही सही सलाह देगी। देखना सखी, आज मेरे गणेश ने मुझे दर्शन दिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पता है वो मुझे कोई वरदान मांगने के लिए बोल रहे थे, मैं क्या मांगूँ समझ ही नहीं आया। तू ही कुछ मदद कर दे, तू ही बता ना मैं उनसे क्या मांगूँ। मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है धन मांग, और बहू से पूछा तो बहू बोलती है पोता मांग लो, बताना अब मैं क्या करूं। तू ना धन मांग ना पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिसे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई घर के जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की भी बात हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या सोचा है, आज कुछ मांग ले, जो तू मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, और सब परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बस प्रभु और क्या मांगू आपसे। बढ़िया माई तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा, तथास्तु। जैसी आज्ञा प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। प्रभु प्रभु को सत सत प्रणाम। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ मिल गया, उनके आँखों की रोशनी वापस आ गई, उनकी बहू की गोद भर गई, उनके घर में धन दौलत आ गए, वो गरीब से अमीर बन गए, उनका छोटा सा घर एक बड़ा महल में बदल गया, और वो सभी आपस में खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए जो भी सच्चे हृदय से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं।